स्मार्टफोन मार्केट में हर महीने ढेरों नए डिवाइस लॉन्च हो जाते हैं। किसी में नया कैमरा होता है, किसी में नया प्रोसेसर, किसी की डिज़ाइन बेहतरीन होती है तो किसी की बैटरी लाइफ धुआंधार। चॉइस जितनी ज़्यादा होती हैं कस्टमर का उतना ही फ़ायदा होता है, मगर कभी कभी इतने ज़्यादा ऑप्शन होने की वजह से यह फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा मोबाइल फ़ोन लिया जाए। इसी फैसले को आसान बनाने के लिए हम एक गाइड बना रहे हैं। इसकी मदद से आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक बढ़िया वाला स्मार्टफोन खरीद सकेंगे। स्मार्टफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले तो आपको ये चुनना है कि स्मार्टफोन में आपको एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए या iOS। एंड्रॉयड आपको अपने फ़ोन पर ज़्यादा कंट्रोल देता है, मगर सिक्योरिटी के मामले में iOS ज़्यादा अच्छा है। अगर नज़र iOS वाले iPhone पर टिकी है तो इस गाइड में आपके देखने लायक ज़्यादा कुछ नहीं है। बस अपने बजट के हिसाब से iPhone SE, 11, 11 Pro, iPhone 12 या iPhone 12 Pro में से एक चुन लीजिए। अगर एंड्रॉयड फ़ोन लेना है तो कोशिश करिए कि एंड्रॉयड का लेटेस्ट वर्जन वाला डिवाइस ही खरीदें। अगर आप आज के टाइम एंड्रॉयड 9 वाला फ़ोन लेंगे तो यह सही फैसला नहीं होगा। प्रोसेसर का चुनाव सबसे ज़रूरी। एक फ़ोन की जान उसका प्रोसेसर ही है, बाकी कोई भी चीज़ देखने से पहले प्रोसेसर का चुनाव करिए। आपके फ़ोन की स्पीड, कैमरा परफॉर्मेंस, बैटरी बैकअप के साथ दूसरी कई चीज़ें प्रोसेसर ही तय करता है। चिप का साइज़ जितना छोटा होता है उसकी परफॉर्मेंस उतनी ही अच्छी होती है। यह नैनोमीटर में नापा जाता है। साल 2021 को मद्देनजर रखते हुए 12 नैनोमीटर से बड़े साइज का चिप ना ही लीजिए तो बेहतर है। मिड रेंज फोन में 8 नैनोमीटर तक का साइज सही है। फ्लैगशिप फोन में नए वाली जनरेशन यानी क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 और एप्पल A14 चिप 5 नैनोमीटर साइज की हैं। पुराने जनरेशन के 7 नैनोमीटर वाले फ्लैगशिप जैसे कि A865 या A13 भी 2-3 साल के इस्तेमाल के लिए बढ़िया हैं। रैम और स्टोरेज। फ़ोन की रैम का मेन इस्तेमाल मल्टीटास्किंग के लिए होता है। जितनी ज़्यादा रैम होगी बैकग्राउंड में उतने ही ज़्यादा ऐप्स चल सकते हैं। कम रैम होने पर आपके पुराने ऐप अपने आप बैकग्राउंड में बंद हो जाते हैं। बजट फ़ोन में 3GB से 4GB रैम से काम चल जाता है। मिड रेंज फ़ोन का पूरा मज़ा 6GB रैम के साथ आता है। फ्लैगशिप फ़ोन में 12GB रैम भी अब आम बात हो गई है, मगर 8GB रैम से भी आपका काम आराम से हो जाएगा। रही बात स्टोरेज की तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको कितनी स्टोरेज की ज़रूरत है। बस इतना ध्यान रखिए कि आप जो फ़ोन ले रहे हैं उसमें मेमोरी कार्ड लगाने का स्लॉट है या नहीं। अगर है तो स्टोरेज की इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। डिस्प्ले चकाचक होना चाहिए। आपके फ़ोन की स्क्रीन पर ही आपकी नज़र सबसे ज़्यादा टिकती है। इस स्क्रीन का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। डिस्प्ले टेक्नोलॉजी में आपके सामने LCD और AMOLED का ऑप्शन है। LCD में ब्राइटनेस ज़्यादा होती है, मगर AMOLED में चूंकि एक एक पिक्सल बंद हो सकता है इसलिए ये पैनल बैटरी तो बचाता ही है, साथ में कलर बहुत गजब के दिखाता है। अगर LCD और AMOLED में चुनाव करना हो तो आँख बंद करके AMOLED स्क्रीन की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीन का रेजोल्यूशन और रिफ्रेश रेट भी देखना ज़रूरी है। 6 इंच की स्क्रीन में HD रेजोल्यूशन किसी काम का नहीं है। इस साइज़ में फुल HD स्क्रीन ही देखें। रिफ्रेश रेट से फ़ोन चलाने का एक्सपीरियंस ज़्यादा स्मूथ होता है, इसलिए इसे एक्स्ट्रा फीचर की तरह ट्रीट किया जा सकता है। कैमरे में सिर्फ मेगापिक्सल का खेल नहीं होता। स्मार्टफोन कंपनियां आजकल फ़ोन के बैक पर 4-4 कैमरा लगा देती हैं, मगर बजट और मिड रेंज फ़ोन में आमतौर पर मेन कैमरा को छोड़कर बाकी सब बस नाम बराबर होते हैं। अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से आप पिक्चर में ज़्यादा सीन भर सकते हैं, मगर 8 मेगापिक्सल के लेंस में डिटेल सही नहीं आ पाती। माइक्रो लेंस करीब की छोटी से छोटी चीज़ में बेहतरीन डिटेल निकाल देते हैं, मगर ज़्यादातर 2 मेगापिक्सल वाले माइक्रो लेंस किसी काम के नहीं होते। ऐसे ही किसी फ़ोन में 2 मेगापिक्सल का ब्लैक एंड वाइट लेंस और किसी में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर होता है। मेन कैमरे में भी 48 मेगापिक्सल और 64 मेगापिक्सल के लेंस आम हो गए हैं, मगर कैमरे की ताकत सिर्फ उसका मेगापिक्सल नहीं होता। कैमरा का सेंसर साइज, एपर्चर, शटर स्पीड और फोन का प्रोसेसर तय करते हैं कि फोन कैसी फोटो क्लिक करेगा। अगर सब कुछ मेगापिक्सल से तय होता तो 15-20 हज़ार रुपए में मिलने वाले 64 मेगापिक्सल लेंस से लैस फोन iPhone 12 को भी हरा देते। अगर आप किन्हीं 2 कैमरे को कंपेयर करना चाहते हैं तो जिस फोन में बड़े साइज का सेंसर है उसे चुन लीजिए। बैटरी और चार्जिंग स्पीड। बैटरी कैपेसिटी जितनी ज्यादा उतना अच्छा। कोशिश करिए कि 4000 mAh से कम बैटरी वाला फ़ोन ना लें। साथ में यह भी ध्यान रखें कि आपके फ़ोन की स्क्रीन जितनी बड़ी होगी बैटरी उतनी तेज़ी से खर्च होगी। अगर रिफ्रेश रेट नॉर्मल वाले 60Hz से बढ़कर 90Hz या 120Hz है तो बैटरी खर्च होने की रफ्तार और तेज़ हो जाएगी। ऐसे स्क्रीन का रेजोल्यूशन जितना ज़्यादा होगा बैटरी उतनी ही तेज़ी से खर्च होगी। इसलिए बैटरी कैपेसिटी के साथ साथ चार्जिंग स्पीड ज़रूर देखिए।
10 वॉट से नीचे तो किसी स्मार्टफोन में चार्जिंग स्पीड अप नहीं होती है, मगर आपको चाहिए कि कम से कम 18 वॉट चार्जिंग स्पीड वाला फ़ोन लें। चार्जिंग स्पीड जितनी ज़्यादा उतना ही अच्छा। वज़न और फॉर्म फैक्टर। फ़ोन खरीदते वक्त हम स्पेक्स और कीमत को तो खूब जम कर कंपेयर कर लेते हैं, मगर एक चीज़ है जिस पर हमारा ध्यान नहीं जाता, कम्फर्ट। आपका स्मार्टफोन एक मोबाइल डिवाइस है जिसे आप हर वक्त अपने साथ में रखते हैं। अगर ये मोटा होगा तो जेब में रखने में दिक्कत होगी, वज़न में भारी होगा तो इस्तेमाल करना दुखदाई बन जाएगा, और अगर ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा होगा तो एक हाथ से चलाना मुमकिन नहीं रह जाएगा। 200 ग्राम से ऊपर के फ़ोन को हाथ में लेने पर पता चल जाता है कि हल्का नहीं है। आप अपनी सहूलत के हिसाब से स्क्रीन का साइज़, फ़ोन की थिकनेस और वज़न ज़रूर देख लें। तो हमारी लिस्ट में बस इतना ही। आप फ़ोन खरीदते वक्त क्या चीज़ें देखते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरा नाम है फैसल। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए द लल्लन टॉप। फेसबुक पर क्या फैला, ट्विटर पर कौन हुआ ट्रोल, यूट्यूब की ट्रेंडिंग से लेकर इंस्टा के सब झोल, सोशल मीडिया की हर उठापटक एक जगह, सोशल लिस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे दी लल्लन टॉप पर।